जी हाँ दोस्तों, अभी देख लो वरना हाल बुरा हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, इन 4 से 5 दिनों का समय आपकी राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभ संकेत लेकर आ रहा है और दोस्तों इसके साथ ही कुछ खास सावधानियां भी लेकर आया है। इन दिनों में वह मिलेगा जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, इतना कुछ आपको इन दिनों में मिलने वाला है दोस्तों, जिससे आपकी किस्मत के वारे न्यारे होने वाले हैं, भाग्य उदय होगा और दोस्तों आपको आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों ऐसी कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं और दोस्तों ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे? दोस्तों भविष्यवाणी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी ना आपने कभी सुनी होगी ना इसके बाद आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों ऐसी कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं और दोस्तों ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इन 4 दिनों में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं? इसके साथ ही साथ कुछ खास बातों को लेकर सावधानी भी बरतनी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशखबरियों के बारे में कुछ खास सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों इन 4 दिनों में आप लोगों को खास ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इन दिनों में आपको किन चीजों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन से कार्य भाग्यशाली रहने वाले हैं और दोस्तों कैसे बड़े संकट से आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये 3 बड़ी अनहोनी घटना भी दोस्तों आपके साथ में हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधान रहिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो 4 दिन का समय है वह आप लोगों के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको रहना चाहिए। इस समय में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। परंतु दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सावधानियां तो बताएंगे ही बताएंगे, परंतु दोस्तों इसमें कुछ समय ऐसा भी रहने वाला है जिसमें दोस्तों आप लोगों को करियर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी सफलताएं भी आपके हाथ लग सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे दोस्तों लाभ तो आपको होगा ही होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगी इन 3 से 4 दिनों में। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से किस प्रकार दोस्तों आपके लिए ये समय रहने वाला है इस वीडियो में ये बताया गया है। बिल्कुल भी इसे मिस करने की गलती ना करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें। दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो है, लाभ होगा। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि दोस्तों जो भी शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपको अपने जीवन में बदलाव लाते हुए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी दोस्तों वे चीजें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में नए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ग्रह गोचर के आधार में आपको अपने जीवन में किस प्रकार बड़े फैसले लेने चाहिए और किन बातों को लेकर आपको कुछ खास सावधानियां रखने की आवश्यकता है। दोस्तों यदि आपको ये मैं बता दूं कि आप लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपके कार्य अवश्य ही पूरे होने वाले हैं। दोस्तों कुछ इतनी बड़ी खुशियां भी आपकी झोली में अब गिरने वाली है, जिसे देखने के बाद में दोस्तों गली मोहल्ले के लोग भी जल उठने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको आपके साथ में कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिनके बाद में दोस्तों आपको महाकाल का आशीर्वाद भी दोस्तों आपके ऊपर कभी भी कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। जिन पर दोस्तों महाकाल की नजर होती है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं रहता है। तो दोस्तों ऐसे में आपका भी दोस्तों समय बदलने का समय आ चुका है। जीवन में भी एक से बढ़ एक तरक्कियां आप लोगों की झोली में गिरने वाली हैं और दोस्तों आप जो भी कार्य करना चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों महाकाल स्वयं आपके घर पर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को तैयार होने की आवश्यकता है। दोस्तों नई सफलताएं मिलेंगी जिस चीज का आपको अंदाजा भी शायद नहीं होगा। इस समय पर आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास में एक साथ कहीं ना कहीं से कई काम आपको मिल सकते हैं, जिसके कारण आपको ये बात तो समझ में नहीं आएगी कि किस चीज को पहले करना चाहिए और किस चीज को बाद में, क्योंकि सारे कार्य आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने पिछले समय में दोस्तों कोई धन का निवेश करने के बारे में सोचा था तो दोस्तों वो आपके लिए कुछ परेशानीजनक हो सकता है।
वहां से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों आप किसी प्रॉपर्टी जमीन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर सभी कागजात की जांच पड़ताल अवश्य करें, अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आप उन पर दस्तखत करें। इस समय पर दोस्तों आपको खास बातें ये ध्यान रखनी होंगी कि किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दें, नहीं तो दोस्तों वह आपको गलत समझ सकता है। इससे दोस्तों आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जब आपके लिए अच्छे योग धन प्राप्ति के लिए बन रहे हैं तो आपको गैर कानूनी कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को गलत संगति का साथ बिल्कुल ही छोड़ देना होगा, क्योंकि दोस्तों गलत संगति का साथ आपको पीछे की तरफ धकेल सकता है, आगे ले जाने की बजाय वे आपको पीछे खींच सकता है। दोस्तों लाभ नहीं मिलेगा, तरक्की संभव नहीं है, गलत संगति का साथ अभी छोड़ दें। इस समय में दोस्तों ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है वह आपके पक्ष में शामिल होने वाली है। बड़ा परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों में आप लोगों के लिए शुभ योग बना रहा है, शश योग का निर्माण हो रहा है, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को अब किसी भी प्रकार के कोई भी गैर कानूनी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ दोस्तों प्रेम संबंधों से भी जुड़ी बातों पर विचार विमर्श करें तो आपको ये भी बता दें कि आपके परिवार में आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। बड़े बुजुर्गों का प्रेम स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा, लेकिन दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण आप अपने घर पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महीने के अंतिम दिन में भी दोस्तों संतान पक्ष से जुड़ी हुई कुछ बड़ी उपलब्धि आपकी खुशी और सम्मान का कारण बन सकती है। दोस्तों उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ में पर्यटन या फिर धार्मिक स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी दोस्तों ये दिन आप लोगों के लिए सफलता के कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बेवजह का तनाव या फिर बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ में आपको कामकाज को लेकर के अब बहुत आप बिजी रहने वाले हैं और दोस्तों दूसरों की जिम्मेदारियां अभी आपको उठानी होंगी, जिससे कि आप अधिक परिश्रम और अधिक प्रयास से पूरी तरह से निकल सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब कोयला घिस जाता है तो हीरा बन जाता है, इसी प्रकार से दोस्तों बिना घिसे आप भी कुछ नहीं बन पाएंगे। हमें हीरा बनना है तो हमें भी घिसना ही पड़ेगा। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोस्तों इस समय आप लोगों को अगले 72 घंटों में अच्छी न्यूज मिलेगी, इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो के दोस्तों अंत में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं और नई सफलताएं आपका किस प्रकार से इंतजार कर रही हैं, ये भी दोस्तों आप जान सकते हैं। तो दोस्तों जरा इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों अचानक टूटा हुआ रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन याद रखें कि जो भी होता है वे अच्छे के लिए ही होता है। इस बीच जबरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता अधिक समय तक नहीं रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस समय आपको मजा लेना चाहिए। यदि विवाह के इच्छुक हैं तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके लिए खुशखबरी है एवं आपके अकेले रहने के भी दिन अब जा चुके हैं और आप प्यार के मधुर क्षणों का मजा लेंगे। आपका रोमांटिक फ्रेंड प्रेम और उत्साह से भरा हुआ है और आपको बताएं कि दोस्तों आज आपके सब जो भी प्रिय मंत्र हैं और कामों विचारों में एकाग्रता और शांति रहने वाली है। आप किसी विवाद से प्रभावित ना हो दोस्तों, ये अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको शांति दूत बनना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं और उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं जिसका आपके साथ में एक करीबी रिश्ता बन सकता है। इस मुलाकात की वजह से आप लोगों को अपने मौजूदा संबंधों के भी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं या फिर दोस्तों आपको उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकते हैं या फिर पुराने रिश्ते का नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत के चिन्हित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, उसे
कुछ उपाय नहीं, और इसी तरह से आप एक बेहतर दिन को जी पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके आज के व्यापार और करियर के बारे में। तो दोस्तों, कुछ समय से आप अपने कार्यालय में आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे थे, और ये खूबी आज आपको आपके मालिक की नज़रों में काफ़ी ऊपर उठा सकती है। पद उन्नति में आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन दोस्तों, आपके सहकर्मियों के द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आप लोगों के लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले।